पीएनबी घोटाले को लेकर के हंगामा मचा है। कल लोकसभा में इस पर चर्चा हो सकती है और इस बीच कांग्रेस और बीजेपी फिर एक बार आमने सामने है। आज कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी से कमीशन लेने का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने एक बार फिर पूछ लिया कि विदेश से काला धन आने की जगह देश का पैसा विदेश कैसे चला गया। 16 मई 2014 को रिजल्ट निकलने के दिन उन्होंने 80-20 का बेनिफिट देते हुए 7 प्राइवेट कंपनियों को भी अपना आशीर्वाद दिया और उन 7 कंपनियों में गीतांजलि नाम की एक कंपनी थी और स्टार ज्वेलर्स नाम की भी एक कंपनी थी। क्या मतलब है इसका मिस्टर चिदंबरम, प्लीज रिप्लाई। ये जुमला और पेटेंट फेवरेटिज्म, मलाफाइडी कंडक्ट एंड रैम्पेंट करप्शन, हम ये जानना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी जवाब दे, वो कौन लोग थे जो गीतांजलि और उनके कंपनी के 80-20 के बेनिफिट्स के लिए लॉबिंग कर रहे थे और लॉबिंग का कट क्या था, ये भी हम जानना चाहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, विदेश से एक नया पैसा भी ब्लैक मनी वापस नहीं लाए, लेकिन मैं उनको जरूर बधाई देता हूं कि देश में जो व्हाइट मनी था भारत से बाहर भेजने में वो सफल जरूर हो गए। नरेंद्र मोदी चला गया, विजय मल्या चला गया और अब नीरव मोदी और मेहुल चौकसी। अब ये पहले शुरू में हुआ था कुछ करोड़ों से, अब 21-22 हजार करोड़ तक पहुंच गया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।